शहर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धनश्री लेकुरवाली ने हाल में आयोजित चौथी फेडरेशन कप योग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नागपुर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए महापौर संदीप जोशी ने गुरुवार 3 सितंबर को बैठक बुलाई है। इसमें मेयो मेडिकल के डॉक्टरों को भी आमंत्रित किया गया। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के रुपए उड़ाने वाले धोखेबाज को ग्रामीण पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आरोपी मयूर कायरकर व विश्वकर्मा नगर अजनी का रहने वाला, उसके पास से 27 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। अजनी में ही रहने वाले मयूर के साथ अनुपजारी की तलाश जारी। मानकापुर चौके एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर की गई कार्रवाई रद्द करने के आदेश के खिलाफ महानगर पालिका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद अगले आदेश तक मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा, साथ ही एलेक्सिस हॉस्पिटल को नोटिस जारी। निजी यात्री बसों में कोई भी यात्री बगैर मास्क के सवार नहीं हो पाएगा। इस संबंध में अब परिवहन विभाग ने जारी कर दिए निर्देश। महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम के तहत सार्वजनिक परिवहन वाहनों के चालकों को अपने वाहन स्वच्छ और सैनिटाइज करना अनिवार्य। नागपुर जिले में कोविड संक्रमण भयावह रूप ले चुका है। सितंबर के शुरुआती दो दिनों में 3150 नए संक्रमित मिले और 87 लोगों की मौत। नागपुर शहर के 2642, ग्रामीण के 496, जिले के बाहर के 12 संक्रमित। वहीं मृतकों में शहर के 65, ग्रामीण के 10 और जिले के बाहर के 12। आयुक्त तुकाराम मुंडे के तबादले के अगले दिन से महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय में आए विलंब से। संज्ञान लेते हुए नए आयुक्त राधाकृष्णन बी ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को मंगलवार को महानगर पालिका के सिविल लाइन स्थित मुख्यालय के अलग अलग विभागों का दौरा करने के दिए निर्देश। बिना बताए ड्यूटी से गैर हाजिर और विलंब से पहुंचे 66 कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी। मामूली विवाद में एक नाबालिग ने हम उम्र मित्र का गला काटकर मौत के घाट उतारा। यह वारदात मंगलवार की रात गिट्टी कदम थाने के तहत दाभा के साईनगर के पास। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को बंदी बना लिया। मृतक 16 वर्षीय आफताब खान रफीक खान। कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए शहर में दुकानों के लिए लागू ऑड इवन डे पैटर्न को महानगर पालिका आयुक्त ने अनलॉक 4 में आंशिक रूप से किया रद्द, लेकिन इसका लाभ 80% व्यापारियों को मिलता नहीं दिख रहा। इस पैटर्न को हमेशा के लिए हटाने के लिए महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी से चर्चा करने की जानकारी नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने दी। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर में लागू की गई ऑड इवन की व्यवस्था को डिवाइडर वाली सड़कों पर खत्म कर दिया गया। महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इस संदर्भ में 1 सितंबर को जारी किया आदेश।